हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोरियन वेबटून के बारे में। वेल, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वेबटून होता क्या है। तो समझ लीजिए, कोरियन डिजिटल कॉमिक को वेबटून कहते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वेबटून टाइप ड्रामास ऑसम होते हैं। इनफैक्ट इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वेबटून जिस पर ड्रामा बनता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। यानी कि इस बात की एश्योरेंस पहले से ही मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर वेबटून पे बेस्ड ड्रामा ऑडियंस को बेशक पसंद आएगा, क्योंकि वेबटून भी तो आया ही था। एग्जाम्पल के लिए आप जैपनीज मांगा को ही ले लीजिए। मांगा बेस्ड एनिम तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड फेमस है, यहाँ तक कि एनिम फैंस की तादाद इंडिया में भी बहुत बढ़ गई है। या फिर आप डीसी या मार्वल कॉमिक्स को ही ले लीजिए, इनकी मूवीज ने तो पूरे ब्रह्मांड में टहलका मचा रखा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कोरियन वेबटून भी काफी फेमस होने के बाद लाइव एक्शन ड्रामास में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी हाल ही में एयर हुए ड्रामास जैसे कि व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम और माय आईडी इज गैंगनम ब्यूटी वेबटून से इंस्पायर्ड थे। तो आज मैं बताने वाली हूँ 5 ऐसे वेबटून के बारे में जिन पर जल्द ही आपको कोई ड्रामा या मूवी देखने को मिल जाएगी। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्कूल लाइफ में बुलिंग एक कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस के नाम पे बुलिंग से बुरा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे ही टॉपिक को टारगेट करते हुए ये वेबटून कहानी है एक अनअट्रैक्टिव बॉय जो कि अचानक हैंडसम बन जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि इसके पीछे का कोई रीजन इस वेबटून में बताया नहीं गया है। क्या पता भगवान को उस पर दया ही आ गई हो। चलो जो भी है, वो हैंडसम तो बन जाता है, लेकिन रात होते ही वो वापस अपने असली रूप में भी आ जाता है। यानी कि दिन में तो वो लड़का खुद को बुली होने से बचा लेता है, लेकिन रात में फिर से उसे अपनी पुरानी लाइफ में ही आना पड़ता है। वेल, जब उसके फ्रेंड्स की संख्या बढ़ने लग जाती है तो सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अपनी फैंटेसी स्टोरी और कॉमेडी स्टोरी के चलते इस वेबटून ने अपनी जगह पक्का कर ली है SBS के अपकमिंग ड्रामास में। दूसरे नंबर पे है गोस्ट वाइफ। ये वेबटून सीरीज कुछ ज्यादा ही वियर्ड होने वाली है। कारण है इसके प्राचीन फेरी टेल वाला कॉन्सेप्ट। सीन कुछ ऐसा है कि ये वेबटून एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेटअप किया गया है, जहां डीमन, भूत प्रेत और इंसान एक साथ ही रहते हैं। एक हाई स्कूल लड़की की किस्मत खराब कहें अच्छी, एक दिन उसके घर में एक चार्मिंग लड़का रहने आ जाता है। सेम नाइट उसे पता चलता है कि वो एक डीमन है और उसे बिल्लियां खाना पसंद है। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि दुनिया में इतने सारे जानवर है, एक बिल्ली ही मिली खाने को। हो सकता है कि राइटर को बिल्लियां पसंद ना हो। खैर, मुझे तो बहुत पसंद है। तो गाइज, ये ड्रामा कुछ कुछ गॉब्लिन ड्रामा से मैच खाता है, क्योंकि इस वेबटून में भी इनकार्नेशन और प्राचीन काल की कहानी एंड ऑल है। वेल, इस ड्रामा में बाकी भूत प्रेत भी हैं जो कि उस लड़की को परेशान करने आते हैं, लेकिन डीमन बॉय उन्हें भगा देता है। सरप्राइजिंगली, ये वेबटून सीरीज हॉरर कॉमेडी प्लस रोमांस थीम्ड है, जिसके ऊपर लाइव एक्शन ड्रामा तो जरूर बनना चाहिए। तीसरे नंबर पे है द गेमर। ये वेबटून एक टिपिकल साइंस फिक्शन फैंटेसी सीरीज है। अगर आपने क्लासिक मैट्रिक्स मूवी देखी है, जिसमें लाइफ को एक सुपर कंप्यूटर में फीड प्रोग्राम की तरह दिखाया गया है, ठीक ऐसे ही इस वेबटून में लाइफ एक गेम है, जिसमें आप खुद को सोसाइटी में अपग्रेड कर सकते हो और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी एक नॉर्मल गेम की तरह कम ज्यादा कर सकते हो। वेल, अगर आपने एनिम देखा है तो सॉर्ट आर्ट ऑनलाइन का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें कुछ प्लेयर्स एक हाई डेफिनेशन गेम में ट्रैप हो जाते हैं। ये वेबटून भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये वेबटून पार्ट साइंस फिक्शन नाइटमेयर और पार्ट फैंटेसी थीम्ड है, जो कि काफी होगा इस सीरीज को एक ड्रामा में कन्वर्ट करने के लिए। चौथे नंबर पे है स्पिरिट फिंगर्स। ये स्टोरी टिपिकली विल पावर पे बेस्ड है, यानी कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे हमें देखने को मिला था किमसोयन स्टेरिंग ड्रामा पेज टर्नर, जिसमें 3 टीनेजर्स की कहानी दिखाई गई थी जो कि काफी मुश्किलों के बाद भी अपने सपने पूरे करते हैं। सो इस वेबटून में होता कुछ ऐसा ही है कि एक हाई स्कूल लड़की ड्रॉइंग क्लब स्पिरिट फिंगर्स को ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात कुछ सोशली आइसोलेटेड बट जीनियस स्टूडेंट से होती है, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं अपनी लाइफ को लेके। वहीं उसे अपने हिडन टैलेंट्स के बारे में भी पता चलता है। सो फ्रेंड्स, ये वेबटून एजुकेशनल और रोमांस थीम्ड है, जो कि बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ जल्द ही हमें एक फिल्म में दिखेगा। पांचवें नंबर पे है ट्रू ब्यूटी। तो गाइस, ये तो ऑब्वियस फैक्ट है कि कोरियंस अपनी सुंदरता को लेके कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस होते हैं,
और ये ड्रामा भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को टारगेट करता है। इस वेबटून में एक अनअट्रैक्टिव लड़की ब्यूटी वीडियोस देख देख के खुद को एक ब्यूटी आइकन बना लेती है, यानी कि वो मेकअप करने में एक्सपर्ट हो जाती है और स्कूल की सबसे प्रीटीएस्ट गर्ल बन जाती है। ये सिचुएशन एक कॉमेडी लव ट्राइंगल वाली सिचुएशन को डेवलप कर देता है। अब देखना ये है कि आखिर मेकअप कब तक काम आएगा, कभी तो बारिश होगी। सो फ्रेंड्स, ये तो लिस्ट थी कुछ फेमस वेबटून्स की जो कि आज नहीं तो कल हमें कोरियन ड्रामास में डेफिनेटली दिखने वाले हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। थैंक यू गाइस।